हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था एंड बेसिक हम लोग कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख रहे थे। जैसे हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा, हम लोगों ने सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा। आज जो हम लोग सीखने जाएंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब दिया है तब उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो देखने वाले हैं। एक नया टर्म आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन, वो क्या होता है उसको देखेंगे, उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो देखेंगे। सो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने कोई भी इसका एप्लीकेशन, जो डिफरेंशिएशन का मेन एप्लीकेशन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों ने वो अभी तक डिस्कस नहीं किया। हम लोग बेसिक अभी तक पढ़ रहे हैं। सो अब हम लोग, ये हमारा लास्ट पोर्शन है, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो हम लोग उसमें एप्लीकेशन को डील करेंगे। बिकॉज जितना भी मेरे को आपको बेसिक बताना था, डिफरेंशिएशन जो भी अलग अलग क्वेश्चन बनता है वो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सारा बता दूं। सो आई होप आपको सारा डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा जरूर। एंड आज हम लोग जैसे ही एक्सपोनेंशियल एंड इम्प्लिसिट फंक्शन को स्टडी करेंगे फिर हम लोग एप्लीकेशन पोर्शन पे मूव कर सकते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू मूव ऑन द अनदर कंसेप्ट दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और दिस सिंपल डिफरेंशिएशन। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। एक्सपोनेंशियल बोलने का मतलब क्या, जहां पे ई का पावर कुछ दिख जाए वैसे वाले फंक्शन को सिंपल भाषा में कैसे डिफरेंशिएट करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो जैसे हम लोग लॉग वाले को करते थे सेम टू सेम, पहले एक चीज देखते हैं y का पावर ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है। डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या, मेरे को क्या निकालना है dy by dx, तो उसका वैल्यू सेम एज इट इज उतर जाता है। मतलब समझते हैं, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको उतार देना है, लेकिन e का जो पावर रहेगा उसको हम लोग एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग वाला जैसा था वैसा एकदम सेम टू सेम, लॉग जो भी ब्रैकेट के अंदर रहता था वन बाय वो वाला इंटू फिर से ब्रैकेट वाला को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। सेम एज इट इज यहाँ पे करना है, ई का जो पावर दिया है वो पावर को उतार देना पहला काम ये है, इनटू फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पावर, जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर अगर इस यही क्वेश्चन हमारा रहता तो क्या हो जाता, ई का पावर एक्स इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वैल्यू वन होता है, दैट इज ई एक्स। ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार समझिए अगर नहीं समझ पाए तो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर e का पावर ax, मैंने क्या बोला मेरे को क्या निकालना है dy by dx, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ e का पावर x। नाउ जो भी e का पावर जो भी दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लो e का पावर ax, फिर मैंने क्या बोला जो पावर दिया है उसको आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो पावर यहां पे क्या है ax, तो क्या हो जाएगा d by dx of ax e का पावर ax into a कांस्टेंट है बाहर आ गया d by dx of x, so what will be the result or answer, that will be a into e का पावर ax into 1, that will be a e का पावर ax। कंसेप्ट समझिए, e का पावर जो भी दिया है e का पावर वो उतारना है इनटू जो भी पावर है उसको एक बार फिर से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, शायद आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए, अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y बराबर e का पावर ax प्लस बी, जैसे हमने देखा e टर्म आ गया, हम लोग समझ जाएंगे ये कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कैसे डिफरेंशिएशन करना है तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर e का पावर ax प्लस बी, राइट। अब समझते हैं बात,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा इधर वाला साइड dy/dx बराबर d/dx ऑफ e का पावर ax प्लस b। मैंने क्या बताया, e का जो भी पावर है उसको उतार दीजिए, इनटू एक स्टेप और d/dx ऑफ जो भी पावर है आप जो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, क्या हो जाएगा e का पावर ax प्लस b इनटू dy/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b। ये क्या हो जाएगा हमारा e का पावर ax प्लस b इनटू ax, a बाहर आ गया, d/dx ऑफ x दैट विल बी 1 प्लस 0। सो आंसर विल बी a इनटू e का पावर ax प्लस b। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, समझने का कोशिश कीजिएगा बस। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y बराबर e का पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे ही हमने बोला कुछ भी पावर रहे, पहला स्टेप हमारा क्या होना है आंसर का, वही e का पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू d/dx ऑफ जो भी पावर दिया हुआ है। तो पावर यहां दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या हो जाएगा e का पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू, यहां पे तीन अलग अलग टर्म है, तीनों टर्म का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ bx प्लस d/dx ऑफ c, राइट। देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है, e का पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू d/dx ऑफ ax स्क्वायर, ax स्क्वायर a इज कांस्टेंट ही है, सो a बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो a इनटू 2x प्लस b बाहर आया d/dx ऑफ x दैट विल बी 1 प्लस d/dx ऑफ c, c इज कांस्टेंट हियर सो द वैल्यू विल बी 0, सो आवर आंसर विल बी a इनटू 2x 2ax प्लस b इनटू e का पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कैसे करना है, बस दो ही स्टेप है, e का जो भी पावर दिया e का दैट पावर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर दैट विल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बस यही दो स्टेप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना के दरमियान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, y बराबर सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार, e का पावर रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सेम उतार देना, dy/dx हम लोगों को निकालना है, dy/dx इज इक्वल टू e का पावर, इसको एकदम लिखने में हिचकिचाना नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू dy/dx ऑफ रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब थोड़ा सा आपको चैन रूल आना चाहिए, अगर आपको चैन रूल नहीं आता तो तब समस्या है, आपको फिर से वीडियो देखना होगा, आप बेसिक थोड़ा सा मजबूत करना होगा। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल का पावर 1/2। मैंने इसको कैसे बोला था सॉल्व करूंगा, अभी मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो जो भी पावर दिया, जैसे हम लोग पावर को सॉल्व करते हैं पावर बाहर करते हैं और जो भी दिया है उसमें 1 माइनस करते हैं, तो पावर 1/2 माइनस 1 इनटू जिसका होल का पावर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक बार फिर से समझिए बात, अगर आप भूल गए हो चैन रूल कहां पे लगाते हैं, चैन रूल वैसे जगह लगाते हैं जहां पे पावर जो होल पावर रहता है अगर एक से ज्यादा टर्म है और
पावर जो है एक नहीं है, एक के छुड़ा के कुछ भी है, तो आपको वहां समझ जाना है चैन रूल लगाना है। अब चैन रूल लगाते कैसे, जैसे अगर x का पावर n रहता है, सॉल्व कैसे करते हैं, n को बाहर, x का पावर n माइनस वन, तो जो भी होल का पावर दिया रहेगा उस होल को हम एक यूनिट मानते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जैसे पावर को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल का पावर एक बाय दो था, तो वन बाय टू इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो पावर वन बाय टू है माइनस वन इंटू जिसका पावर है जो टर्म है उस सारे टर्म का एक बार फिर से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा, वन बाय टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाय टू आएगा और नीचे आ जाएगा तो वो वन बाय टू हो जाएगा, वन बाय टू को हम लोग फिर से रूट अंडर लिख सकते हैं इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए बाहर आ गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो टू ए एक्स आ गया पहला टर्म का डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स क्या हो जाएगा, बी बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट सो दैट इज जीरो, सो वट विल बी द वैल्यू राइट हियर दैट वी आर गेटिंग, टू ए एक्स प्लस बी बाय टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब थोड़ा सा यहां देखिए इसको हम लोग क्या ही कर लेते हैं, जो जैसे था पहले e का पावर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू दिस e का पावर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, e का पावर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम एज इट इज उतार देते हैं हम लोग, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा अच्छा लिखना है तो आप लिखो वन बाय टू, अब लिखो e का पावर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू टू ए एक्स प्लस बी बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो मेन में आपको कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा था कि कंसेप्ट दो ही है, पहला क्या है e का जो पावर दिया है वो e का पावर आ जाएगा इनटू, अगर पावर में कुछ और है या फिर पावर को आपको सिंपल सा समझना है कि एक बार और डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके प्लीज बताएं, अपने बेनिफिट का देखें, डाउट है तो पूछना है, सिंपल सा कंसेप्ट है और उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम बताने वाले हैं वो है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो थोड़ा सा समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है फिर मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन को बनाया है उसमें हमें क्या करता था, कुछ खाना एक तरह से परोस के दे देता था फिर बोलता था आप खाओ भाई, जैसे कि क्वेश्चन क्या देता था, वाई बराबर ई का पावर एक्स, वाई बराबर लॉग एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे वाई को सेपरेट कर दे रहा था, वाई को सेपरेट कर दे रहा था और एक्स को एक अलग इक्वल टू के अलग साइड में लिख रहा था सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, और y को इक्वल टू के अलग साइड में लिख रहा था, तो हम लोग इजीली समझ जा रहे थे कि निकालना क्या है dy by dx। अब फिर से बात समझिए, लेकिन अब कुछ ऐसा फंक्शन है जहां पे आपको x और y इक्वल टू के एक ही साइड रहेगा, फिर से समझिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें x और y एक ही साइड रहेगा, y अलग साइड इक्वल टू के नहीं, x अलग साइड नहीं, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई बराबर सेवन, एक्स भी एक साइड है इक्वल टू के, वाई भी एक साइड है, x का पावर n प्लस y का पावर n बराबर a का पावर n, देखिए x भी एक साइड है प्लस y भी एक साइड है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बात आता है भाई साहब, मैं तो समझ गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, बट इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो चलिए बेसिक कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा।
और इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको क्लियर कर दिया रहेगा कि आपको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है, dx बाई dy, या जो भी वेरिएबल यूज हुआ है किसके रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट करना है, वो बहुत ही क्लियर कर देगा। अब हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन 2x + y = 7। हम लोगों को देखना है, जैसे हमने देखा कि x और y एक साइड है, हम समझ गए कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन। अब वहां पे क्वेश्चन में ये लिख दिया कि find dy by dx। तो अब आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही सावधानी से समझिएगा कैसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही क्वेश्चन बोला फाइंड dy by dx, तब हम लोगों को करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन बोल देता फाइंड dx by dy, तब हम लोग y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पढ़ना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग किसके रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही इम्प्लिसिट आया, ये तो बेसिक एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरे को दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमको क्वेश्चन ही बताएगा, ठीक है ना? तो अब ये दोनों साइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, dy dx ऑफ 2x प्लस y बराबर dy dx ऑफ 7। तो पहला स्टेप हमारा ये था, दोनों साइड डिफरेंशिएट हम लोगों को करना है, हम लोगों ने कर लिया। इसको चलिए सिंपल करते हैं, क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ 2x प्लस dy by dx बराबर 0। अब दूसरा स्टेप आपको समझना है यहाँ पे ध्यान से। पहला स्टेप क्या था, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना था किसके रिस्पेक्ट में, तो वो क्वेश्चन को देख के समझना है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या समझना है कि dy by dx जिसको आपको निकालना है उसको एक साइड करिए, बाकी बात को एक साइड करेंगे हम लोग। 2x का 2 बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया वैल्यू, प्लस dy by dx बराबर 0। तो dy by dx हमारा जो निकल के आएगा क्या आएगा, -2। dy by dx को आपको एक साइड रहने देना, बाकी जो भी आया वैल्यू उसको इक्वल टू के दूसरे साइड करना है और dy by dx का वैल्यू निकाल लेना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, शायद आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, x का पावर n प्लस y का पावर n बराबर a का पावर n। पहला स्टेप हम क्या बोले थे, अगर क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग निकालने बोला है dy by dx, तो पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ दोनों साइड करना है, तो dy dx ऑफ x का पावर n प्लस y का पावर n इज इक्वल टू dy dx ऑफ a का पावर n। अब बारीकी से डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx ऑफ x का पावर n प्लस dy dx ऑफ y का पावर n। अब ध्यान से देखिए, a का पावर n, 5 का पावर कुछ भी रहे तो वो तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, तो ये तो पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट को x के रिस्पेक्ट में किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, 0 ही आएगा। तो dy dx ऑफ x का पावर n क्या हो जाना है, अगर देखा जाए तो n बाहर आ गया पावर, x का पावर n -1 प्लस y का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम एज इट इज, n पावर है बाहर आया, y का पावर n -1 इनटू dy by dx। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, y वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में, तो चैन रूल क्या बोलता है, पहले आप पावर को सॉल्व कर लो आराम से इंतजाम जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद फिर से उसका करो जिसका पावर है। तो x के छुड़ा के कुछ भी मेरे को दिया, आपको फिर से x के रिस्पेक्ट में कर देना है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब हमको क्या करना है, dy by dx वाले को एक साइड रहने देना है, बाकी के दूसरे को दूसरे साइड करना है। तो क्या इधर n y का पावर n माइनस वन इंटू dy by dx इधर रहने देते हैं, इधर आएगा तो माइनस n x का पावर n माइनस वन ये हो जाएगा। निकालना क्या है मेरे को, dy by dx, तो इसको इधर डिविजन में फेस देना है,
जैसे ही डिवीजन में हम लोग भेजेंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एन एन, क्या बचेगा माइनस एक्स का पावर एन माइनस वन बाय वाई का पावर एन माइनस वन। बेसिक दो ही कंसेप्ट आ रहा, पहला क्या दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है मेरे को, दूसरा क्या जब सारा चीज हो जाए डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके बाद एक तरफ रहने देना है डीवाई बाई डी एक्स, बाकी दूसरा जितना भी टर्म बच रहा है वहां पे सारे को इक्वल टू के दूसरे साइड कर देना है। अब इधर डीवाई बाई डी एक्स में कुछ मल्टीप्लाई है तो आप इधर डिविजन में कर दो, प्लस में है तो इधर माइनस कर दो, वैल्यू मेरे को नहीं मिल जाएगा डीवाई बाई डी एक्स का, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और अच्छे से शायद आपको आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई क्यूब। सपोज करते हैं क्वेश्चन बोला फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, तो हम लोग को पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर बी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्यू, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां पे थोड़ा बारीकी से करना है, यू इंटू वी लगेगा दो मल्टीप्लाई में, u x मान लेते हैं v y q को मान लेते हैं, x को उतारे तो डी बाई डी एक्स ऑफ y q प्लस y q को लिखे इस बार डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, जैसे सॉल्व करते हैं मैंने क्या बोला थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वाई क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन। अब मैंने क्या बोला वो आपको सेकेंड चीज समझ में आएगा, मैं क्या बोल रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स को आप किसी एक साइड इक्वल टू पे रखो, आप देखो इधर भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स को सब पूछ करते हैं इधर ले जा रहे हैं और बाकी सारे टर्म को इधर कर दे रहे हैं, वन को इधर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू, और वन को इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस वन। मेरे को किसका वैल्यू निकालना, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन लेते हैं क्या बच जाएगा वन माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस वन। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है और इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इस साइड भेज देते हैं, तो वाई क्यू माइनस वन बाई वन माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जो भी मल्टीप्लीकेशन है आप कॉमन लेके उसको उस साइड डिवीजन में कर दो, वैल्यू निकल गया डी वाई बाई डी एक्स का। तो कंसेप्ट इसका यही है, समझ रहे हैं आप। बुक से और क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है आप उसको खुद से प्रैक्टिस करिए, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बताइए हमें, और आपको कैसा लगता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप बता सकते हो, कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन कोई भी समस्या आप खुल के बताइए, और बताना है तो बताना है बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ही जरूरी है। मैं ऐसे किसी को इमेजिन करके बहुत दिन ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, आप अपना फीडबैक रिव्यू जो भी देना आप कुछ बताइए सजेशन दीजिए कमेंट करिए अच्छा फील होता है। सो टेक केयर एंड गुड बाय बाय।